नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आंवला, जो कि आंवला एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। माना जाता है कि आजकल आयुर्वेदिक चीज़ों में अधिकतर आंवला यूज़ किया जाता है। आज हम आपको आंवले की खेती बताएंगे और उसके पौधे कैसे होते हैं। ये इस प्रकार के आंवले के पेड़ होते हैं, ये काफ़ी बड़े साइज में है, लेकिन ये जो संतरे के बगीचे टाइप हो जाते हैं, 12-12 की इसकी डिस्टेंस होती है पौधे से पौधे की, चारों तरफ की डिस्टेंस 12-12 की रख के आप ये पौधे लगा सकते हो। ये धीरे धीरे काफ़ी बड़े होते जाते हैं और इनका भी एक पेड़ बन जाता है। आप चाहो तो इनकी कटिंग भी कर सकते हो साइडों से, ताकि इनकी डाली ज़्यादा लंबी ना फैले और आप इनसे अच्छा फल ले सकते हो। ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पे आंवले का बगीचा लगा हुआ है। ये शामगढ़ तहसील में है, जो कि मंदसौर जिले डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इस प्रकार से आंवले की खेती की जा सकती है। ये आंवले के पेड़ काफ़ी बड़े मात्रा में हो चुके हैं, क्योंकि इनकी कटिंग नहीं की गई थी। अगर आप आंवले की अगर खेती करना चाहते हो तो सही तरीके से सही कटिंग की भी कर सकते हो, और इन पौधों को ज़्यादा लम हाइट पे ना आने दिया जाता है, छोटी हाइट पे भी आप इनको से फल ले सकते हो, और इन पे फल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा आती है। अभी एक्चुअली इन पे फल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टाइम अभी इनके फल का नहीं है। तो जब भी इन पे आंवले का फल दिखाई देगा, हम और आगे हमारे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से फल इन पौधों पे आता है, और उनकी साइज़ भी बहुत बड़ी तक हो जाती है। और ये एक आंवला एक अच्छी चीज़ है। आंवला शिकाकाई करके तेल भी आता है, इसके आयुर्वेदिक चीज़ों में बहुत यूज़ होता है, हेयर ऑयल वगैरह में भी आजकल आंवले का यूज़ होने लगा है, और इसका अचार वगैरह में, और ऐसी आयुर्वेदिक बहुत सारी पौष्टिक जड़ी बूटियां हैं जो कि इस चीज़ से बनाई जा सकती हैं। तो ये देखा माना जाता है कि ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है और एक बहुत अच्छा फल है। इससे कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं, और ये मनुष्य के लिए काफ़ी मेरी सोच से माने तो बहुत ही बेहतरीन फल हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आगे जब भी इसमें फल आएंगे, हम हमारे अगले वीडियो में आपको वो फल भी बताएंगे, आंवले की खेती भी पूरी उसमें बताएंगे, और आंवले किस प्रकार से आते हैं उस वो भी बताया, और भी जो भी इनसे जुड़ी हुई जानकारियां हम आगे हमारे कोशिश करेंगे हम हमारे वीडियो में उनको और अधिक से अधिक उनके बारे में जानकारी हम आपको बताएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भी हमारे आने वाले वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी हम उनसे फसल से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में हम हमारे वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।